अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो दोस्तों आज हम अकाउंट ओपन करेंगे अलराजी बैंक का तो अलराजी बैंक का अकाउंट ओपन करने से पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका जो अकामा है वो वैलिड होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और नेशनल एड्रेस भी होना चाहिए आपके पास और नफाज की जो एप्लीकेशन है उसमें आप साइन इन हो जाए पहले से ही और नफाज की एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा मैंने आपको बता रखा है कि नफाज की एप्लीकेशन किस तरह यूज़ करते हैं और अब गवर्नमेंट की सर्विस हो या बैंक अकाउंट ओपन करना हो तो जो ओ टी कोड है वो ओ टी पी कोड आपकी नफाज की एप्लीकेशन में आएगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं नफाज की एप्लीकेशन में लॉग इन हुआ हुआ हूँ पहले से ही आप देख सकते हैं कि नफाज की एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो यहाँ पर अब हम ओपन करेंगे अलराजी बैंक अकाउंट तो सबसे पहले तो प्ले स्टोर में चले जाएंगे आप प्ले स्टोर को ओपन करके आपने अलराजी बैंक लिखना है और अलराजी बैंक लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलराजी बैंक का लोगो है इसको आपने इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा और इंस्टॉल करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोगो है अलराजी बैंक का ये एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर मैसेज के लिए अलाउ करना है तो अलाउ कर देंगे अब ये इंटरफेस है अब आप इसको देख सकते हैं कि नीचे बटन है नेक्स्ट का तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते जाएंगे और इसके बाद बटन आ जाएगा गेट स्टार्टेड का तो इसके ऊपर भी हम क्लिक कर देंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेस है और हमें नया अकाउंट ओपन करना है तो नीचे बिकम अ मेम्बर है इसके के ऊपर हमें क्लिक कर देना है तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा कि भाई लोकेशन भी ऑन करो तो यहाँ पर हम लोकेशन ऑन कर देंगे और इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये अकाउंट ओपनिंग का इंटरफेस है यहाँ से हमें अकाउंट ओपन करना है अच्छा इसके अलावा अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड है अलराजी की एप्लीकेशन तो आपने फिर कैसे जो है ना ये इस पेज पर आना है अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ कि भाई जैसा कि यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं दोबारा मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ ये इंटरफेस अगर आपके पास आता है तो यहाँ पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं कि साइन अप का बटन देखने को मिलेगा तो ये जो साइन अप का बटन है ना इसके ऊपर आप क्लिक कर देना तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर है ओपन न्यू अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर आप ओपन न्यू अकाउंट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो भी आपके पास यही Thank ओपन हो जाएगा पेज अकाउंट ओपनिंग का तो भाई यहाँ पर हमारा अकाउंट ओपनिंग का पेज ओपन हो गया है दोनों तरीके से आप देख लें अब इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन है फ़ोन नंबर का तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर कर लेंगे जब आप फ़ोन नंबर एंटर कर लोगे तो उसके नीचे है अकामा नंबर का ऑप्शन तो यहाँ पर आप अकामा नंबर एंटर कर लेना अब उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई यहाँ लिखा है नेशनल एड्रेस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आपने नेशनल एड्रेस बना लेना है और नेशनल एड्रेस बनाने का तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन तो इसके ऊपर चेक लगा देना है और इसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है तो इस कन्फर्म के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा ओ कोड तो वो ओ कोड अब हम यहाँ पर एंटर कर देंगे ओ कोड एंटर करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो प्रोफेशन का है इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना जैसे कि जनरल मैनेजर मैनेजर डॉक्टर और लेबर और जो भी आपका है मार्केटिंग का तो मैं यहाँ से मार्केटिंग का जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा ई एड्रेस का तो यहां पर आप अपना ई एड्रेस एंटर कर लोगे और उसके बाद नीचे है प्राइमरी इनकम सोर्स के जो आपकी जो इनकम है उसका सोर्स क्या है कहाँ से आती है तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई सैलरी से आती है जो पैसे आते हैं सैलरी से आते हैं या फिर आपने यहाँ पे सेविंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी आपने करना है तो मैं यहाँ पर सेविंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा आप चाहें तो सैलरी का भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहें वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद नीचे मंथली इनकम का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप अपनी जो भी सैलरी है जो भी अपनी इनकम है वो यहां पर एंटर कर ले जैसे कि मैं रियाल एंटर कर लेता और और उसके बाद नीचे नीचे है टैक्स का का ऑप्शन इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और बस नेक्स्ट बटन देखने को मिलेगा तो इस नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो जब नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर नफाज की एप्लीकेशन को ओपन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब बैंक अकाउंट के लिए नफाज की एप्लीकेशन पे कोड आएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मैसेज है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है तो ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा ट्वेंटी नंबर कि यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है मेरे पास ट्वेंटी एट आ रहा है अब मुझे नफाज की एप्लीकेशन ओपन करनी है वो भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने नफाज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट आई भी है अब इसके नीचे है एक्सेप्ट का बटन तो इस एक्सेप्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद आ जाएगा एक और पेज यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की जो अलराजी की है वो रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर नीचे प्रोसीड का बटन है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर तीन नंबर है अब इसमें से मेरा जो कौन सा नंबर था ट्वेंटी एट वो यहाँ पर मैं ट्वेंटी एट नंबर पे क्लिक करूँगा आपके पास जो भी नंबर आएगा वो नंबर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर जो भी आपका नफाज का पिन है वो यहाँ पर आप एंटर कर दोगे और उसके बाद कैमरा ओपन हो जाएगा अब कैमरा ओपन होगा वो आपका फेस डिटेक्ट करेगा उसके बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा अब इसके बाद नीचे आपको बटन देखने को मिलेगा रिटर्न टू अलराजी बैंक तो अब हम यहाँ पर रिटर्न चले जाएंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से हम अलराजी पेज पे आ जाएंगे अब यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है हम अलराजी के पेज पर आ गए अब यहाँ पर हमारा जो नेशनल एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर मेरे पास जो नेशनल एड्रेस है उसके अंदर जो तो स्ट्रीट नेम है वो नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना स्ट्रीट नेम लिख दूँगा और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है इस नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर है पर्सनल डिटेल यानी कि नेम लिखना है अपना तो फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिख देंगे फिर फादर नेम लिख लेंगे और उसके बाद ग्रैंड फ़ादर नेम लिखेंगे और उसके बाद फैमिली नेम आप लिख लेंगे तो ये आपने लिख लेना है और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है तो इस नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो जैसे ही हम इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर भी हमें वही नाम आपका देखने को मिलेगा लेकिन ये अरबी में है तो इस अरबी में हम यहाँ पे नाम को सही कर लेंगे मैं यहां पर अपने नाम को अरबी में ठीक कर लूंगा जो मैंने इंग्लिश में लिखा था वही मैं यहाँ पर लिख लूंगा और उसके बाद सबसे नीचे दोबारा नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा तो इस नेक्स्ट के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो अब हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि मेरिटल स्टेटस क्या है आपका आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं तो मैरिड है तो मैरिड तो पर क्लिक कर दें मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है तो इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के साथ ही अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के आप किधर पैदा हुए तो यहाँ पर जब मैं कंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो तमाम कंट्री आ जाएगी यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और उसके बाद हमारे पास नीचे सिटी का ऑप्शन है तो यहाँ तो यहा पर आप सिटी लिख लेंगे जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है तो नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा अब यहां पर हमें टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम इसको नो पर ही क्लिक रखेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है तो इस नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के साथ ही अब हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर भी आप नो पर क्लिक रखकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सऊदी अरब के अलावा कहीं परमानेंट रहते हैं तो मैं जैसे कि सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान में परमानेंट ही रहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको यस कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से कंट्री भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर लेता हूँ अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं और मैंने ऐसे ही एंटर कर लिया है तो बस इसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है तो इस नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करना है अब जैसा कि यहाँ पर यूज़र नेम पहले से मौजूद है आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम रखूँगा अलग चेंज कर दूँगा तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ और इसके बाद नीचे है पासवर्ड का ऑप्शन तो यहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर करना है कम से कम आठ करेक्टर होने चाहिए और आठ से ज्यादा होने चाहिए तो यहां पर आठ से ज्यादा करेक्टर का पासवर्ड रखें आप और एक कैपिटल लेटर हो बाकी स्मॉल लेटर हो और नंबर्स हो तो यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर लेंगे पासवर्ड की जगह पर और उसके नीचे रिपीट पासवर्ड तो वही पासवर्ड आपने दोबारा एंटर करना है और उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन देखने को मिलेगा तो इस कन्फर्म के बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो जब कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पर हमारा जो डेबिट कार्ड है उसका जो पिन है वो रखना होगा तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे डेबिट कार्ड का पिन और जो भी आपने पिन रखना हो वो रख लें ए कार्ड का जो भी पिन है उसके बाद दोबारा रिपीट करना है तो वही रिपीट कर लें आप पिन और यहाँ पर रिपीट करने के बाद आपके पास सक्सेसफुल हो जाएगा ये अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल रिसीव अ कॉल तो कॉल आएगी अगर आपके पास कॉल आती है तो उसको सुनना है और जो भी इंस्ट्रक्शन हो फॉलो करना है और अगर आपके पास कॉल नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पास कॉल नहीं आई है मैंने नीचे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दूँगा तो जैसे ही कन्फर्म के बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक कॉर जो है वो मैसेज आ जाएगा कि आपके पास रिसीव होगी कॉल लेकिन मेरे पास मैसेज आया है कॉल रिसीव नहीं हुई है तो यहाँ पर नीचे प्रोसीड का बटन है तो इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कॉल आए आपके पास मैसेज भी आ सकता है आपके पास कॉल भी आ सकती है जैसा कि मेरे पास मैसेज आ गया था कॉल नहीं आई थी तो यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर है आई नंबर है यूज़र नेम बन चुका है तो इसका जो ए कार्ड है उसको आपने प्रिंट करना हो होगा क्यूसिक मशीन से अलराजी की तो सेल्फ सर्विस मशीन है उसकी मशीन से प्रिंट करना होगा तो उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में तो अलराजी से कैसे प्रिंट किया जाता है ए कार्ड तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो तरीका भी बता दूंगा तो इस तरह हम अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं मोबाइल के जरिए ही बस नीचे आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का तो इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है कि आपने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है अपडेट करना है तो यहाँ पर आपके पास रीड एंड टर्म कंडीशन का चेक है तो इसके ऊपर हम चेक लगा देंगे और इसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट का बटन देखने को मिलेगा तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और टोटल बैलेंस भी आप यहां पर मैं दिखा देता हूं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो बैलेंस है अभी अभी मैंने अकाउंट ओपन किया है तो यहां पर आप अकाउंट ओपन ऐसे कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं तमाम फैसिलिटीज इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे ही ऑनलाइन एलर्जी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना